केंद्रीय राज्य मंत्री देवूसिंह चौहान स्टेच्यू ऑफ यूनिटी खाते दूरसंचार और टपाल विभाग अधिकारी साथ एक बैठक नु आयोजन करूँ। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री श्री देवूसिंह चौहान आज स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एकतानगर खाते टपाल विभाग और दूरसंचार विभाग वरिष्ठ अधिकारी साथ बैठक योजी संचार मंत्रालय प्रगतिशील विकास कार्यों गुजरात में चाली रहे आगामी विकास परियोजनाओं और गुजरात की जनता की मंत्रालय पास की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं अंगे विगतवार समीक्षा करी थी। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री जणाव्युं के गुजरात एक सरहदी राज्य है जेथी गुजरात देश की सुरक्षा ने ध्यान राखी टेलिकम्युनिकेशन विभागे गुजरात में आवा 60 गामों की पसंदगी करी थी। गुजरातना तमाम 370 गामडाओ जे मोबाइल सेवाथी वंचित छे तेमने पण आ सुविधाओ आपवामां आवशे। तेमणे जणाव्युं हतुं के गुजरातमां कुल 14622 ग्राम पंचायतो छे। आ तमाम ग्राम पंचायतोमां फाइबर पहोंचाड़वामां आव्या छे। राज्यना बाकीना 4400 गामडाओने फाइबर आपवीतीनी परियोजना पण काम शुरू करवामां आव्युं छे। पोस्ट विभाग सुकन्या समृद्धि खाताने वधारवा माटे एक नवुं अभियान शुरू कर्युं छे जे अंतर्गत गुजरात में 31 जुलाई 2022 सुधी में 1.25 लाख खाता खोलवामां आवशे जेथी कुल खातानी संख्या 10 लाख थशे। पोस्ट विभाग द्वारा वधु एक नवी पहल करवामां आवी हती जे अंतर्गत सूरत माथी निकास सुविधा वधारवा माटे आंतरराष्ट्रीय वेपार केन्द्रनो शुभारंभ कर्यो हतो जे सफलतापूर्वक काम करी रह्यो छे। अत्यार सुधी में 8846 आर्टिकल मोकलवामां आव्या छे। संचार मंत्रालय टूंक समय में पोस्ट विभाग में 2.5 लाख ग्रामीण डाक सेवकों माटे मिशन कर्मयोगी योजना शुरू करवा जई रही छे। आ अंतर्गत तेमने ट्रेनिंग आपवामां आवशे जेनो मुख्य उद्देश्य टपालकर्मी मात्र तेमना काम में कार्यक्षम न बने परंतु अपना ग्रामीण विस्तारों नागरिकों ने सेवा भावना साथे सेवाओ पूरी पाड़शे। केन्द्रीय संचार राज्य मंत्रीए माहिती आपी हती कि BSNL अने MTNL नी घणी नवी परियोजनाओं शुरू करवामां आवी रही छे। श्री देवूसिंह चौहाने केवड़िया स्थित एकता ऑडिटोरियम टपाल विभाग की गंगा स्वरूप विधवा सहाय योजना की लाभार्थी बहनों ने चेक अर्पण कराया था। आ कार्यक्रम में दीकरीओ ने सुकन्या समृद्धि खाता की पासबुक पण अर्पण करी साथे साथे ग्रामीण डाक जीवन वीमा योजना पॉलिसी होल्डरों वारसदारों ने चेक अर्पण करवा साथे ताजेतर में टपाल विभागे गुजरात में 8 संपूर्ण सुकन्या ग्राम जाहिर करेल छे। केन्द्रीय संचार राज्य मंत्रीए आ जिल्लाना ग्रामीण डाक सेवकोने सम्मान पत्र प्रदान कर्या हता। पोस्टल अने टेलिकॉम विभागनी आजे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया खाते एक रिव्यू बैठक राखवामां आवे। आ बैठक अंतर्गत मारा विभागना DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट BSNL BBNL जेवा विभागना अधिकारी साथे खूब अर्थपूर्ण चर्चा करवामां आवी। आपणे सौ जाणीए छीए कि गुजरात ए सरहदी राज्य छे। गुजरातना बॉर्डर एरियामां पण कनेक्टिविटी पहोंचे, ગુજરાતના ટ્રાઇબલ એરિયામાં પણ કનેક્ટિવિટી પહોંચે અને ગુજરાતના આ બધા એરિયામાં ડાક વિભાગની પણ સેવાઓ પહોંચે એ ખૂબ જરૂરી છે। ત્યારે હું જ્યારે મંત્રી તરીકે અને ગુજરાતનો પ્રતિનિધિ હોઉં ત્યારે સહજ એ અપેક્ષા છે કે દેશના શ્રદ્ધેય આદરણીય મોદી સાહેબના ગૃહ રાજ્યમાં પણ મારા વિભાગની કામગીરી સારી રીતે થાય એની એક વિશેષ ચિંતા પણ થવી જોઈએ। ત્યારે આ એક રિવ્યૂ બેઠક યોજવામાં આવી છે। આમ પણ મારો ભારતનો પ્રવાસ હોય ત્યારે આવી બેઠકો કરતો હોઉં છું। આ બેઠકના અંતે ગુજરાતના બોર્ડર એરિયામાં તમામ ગામોમાં લગભગ 50 કરોડના ખર્ચે 41 ટાવરો નક્કી થયા છે। 6000થી વધારે ગામડાઓમાં આ કનેક્ટિવિટી પહોંચે એ માટે BBNLનું જે કામ અટક્યું છે એને પણ આગળ ધપાવવાનું કામ નક્કી થયું છે। પોસ્ટની સેવાઓ માટે કેટલાક નવીન મકાનો પણ જે બનાવવા અત્યંત જરૂરી છે એવા મકાનો પણ લગભગ નિર્મિત થયા છે। આવનારા વખતમાં હું ગુજરાતના કેટલાક ગામડાઓનો જિલ્લાઓનો જેમ કે બનાસકાંઠા છે રાયબર એરિયા છે એનો પ્રવાસ પણ કરવાનો છું। એરિયામાં જ્યાં ટાવર તૈયાર થયા છે ટાવરના પણ લોકાર્પણ કરવાનો અને
સૌરાષ્ટ્રના પણ કેટલાક એરિયામાં, પોરબંદર જેવા એરિયામાં પણ જ્યાં પોસ્ટના મકાનો તૈયાર થયા છે ત્યાં પોસ્ટના મકાનોનું પણ લોકાર્પણ કરવાનું છે.